फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में। जो वीडियो लेकर आया हूँ पूरनपुर रेलवे स्टेशन का लेकर आया हूँ, और जो वीडियो भेजा है शोएब भाई ने भेजा है। शोएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को भेजने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको पिछले महीने पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर जो अपडेट दिया था उसके मुकाबले थोड़ा सा काम हुआ है, और जो काम हुआ है वो ये कि जो फुट ओवर का ब्रिज का रैंप बनाने का हिस्सा है उसका बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है रैंप बनाने का। देखिए, अभी आपको और करीब से दिखाएंगे। और दूसरी साइड में भी ये देखिए, रैंप बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जा रहा है। और फिलहाल जो है ना, ट्रैक्स के ऊपर बैराज डाल दी गई है। ये रूट जो जा रहा है ये मैलानी की दिशा में जा रहा है, मैलानी गोला लखीमपुर। और जो तीनों ट्रैक हैं उसमें से प्लेटफॉर्म नंबर 2 व ट्रैक बीच में जो मेन लाइन बनी है इस पर बैराज डाल दी गई है। लेकिन अभी जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है उस पर अभी बैलास नहीं डाली गई है। हालांकि जो काम चल रहा है अभी वो स्टेशन ही स्टेशन पर चल रहा है, और जो मैलानी की दिशा में है आगे जहाँ पे ये क्रॉसिंग बनी है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, उसके आगे भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ है। थोड़ा यहाँ से देखिएगा, पीलीभीत की दिशा में रोड जा रहा है, और यहाँ पे भी आप इधर देख सकते हैं बैलास सब पूरा पड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और मेन लाइन पर। और आगे भी अभी ट्रैक डालने की शुरुआत नहीं हुई है पीलीभीत की दिशा में। यहां से देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए तो काम में अभी गति नहीं है। और ये माल गोदाम के साइड वाला हिस्सा जहां पे फर्श अभी बनाया जाना बाकी है, लेकिन जो ट्रैक डाला गया है माल गोदाम के लिए उस पर बैलास यहाँ पे पड़ा है, लेकिन थोड़ा आगे इस पे नहीं पड़ा है, आप देख सकते हैं। और बैलास का जगह जगह ढेर लगा हुआ है, टीन शेड भी अभी नहीं डाली गई है। और ये देखिए जो सीढ़ी बनाई जा रही है तो अभी इसमें मसाला वगैरह नहीं डाला गया है, एंगल लगाए गए हैं सीढ़ी के हिसाब से। यहां से देखिए तो दोनों ही छोर पे अभी ये हिस्सा बचा हुआ है बनाने को, चढ़ने को, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी और 2 पे भी। और इधर देखिए बैलास का ढेर ऊपर से जो दिखाया था, और बीच में अभी मिट्टी पटाई का काम भी नहीं शुरू हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी, 2 ही है। और माल गोदाम के साइड वाला ये साथ में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी मिट्टी डालने का काम नहीं हुआ है। तो खाली फुट ओवर ब्रिज में जो काम में तेजी है वही है, बाकी और किसी चीज में कोई तेजी नहीं है, तो काफी धीमी गति से काम चल रहा है। और उम्मीद यही की जा रही है कि मैलानी तक जैसे ही काम, यानी कि काम पूरा होगा और ट्रेन चलने लगेंगी, तो इस रूट पर भी तेजी आने की पूरी संभावना है। जैसे लखीमपुर तक काम पूरा हो गया था, ट्रेन चलने लगी, तो उसके बाद फिर लखीमपुर से मैलानी के बीच में सभी स्टेशनों पे काम में तेजी आई। ऐसे देखिएगा फ्रेंड्स, अब ये नई बिल्डिंग और ये टीन शेड के लिए बेस बनाया गया है, और ये माल गोदाम के साइड वाली ऑफिशियल बिल्डिंग बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, तो मिट्टी का पटाई का काम भी अभी बाकी, बहुत सा काम पेंडिंग में है। लगभग 20-30% के बीच में ही काम हुआ है, 20% माने तो ज्यादा बेहतर है। ट्रैक बखूबी भी डाल दिया गया है स्टेशन पर, और बैलास भी डाल दी गई है, साथ में ट्रैक को क्लिप से फंसाया भी जा चुका है। और ट्रैक पर जो बैलास डालने का काम है वो ट्रॉली द्वारा किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं ट्रॉली, वो देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी हुई है। और यहां से देखिएगा ये पुरानी बिल्डिंग, तो अगर काम में तेजी आ जाए तो भी मान के चलिए 4-5 महीने में बनने में सब कुछ लगेगा।
यहां से देखिएगा। तो फ्रेंड्स प्लेटफॉर्म नंबर एक से थोड़ा सा व्यू दिखाते हैं, यहाँ पर देखिएगा तो मिट्टी भी ज़्यादा ढेर नहीं लगा है, थोड़ी थोड़ी है, और पूरे प्लेटफॉर्म को समतल करने के लिए ढेर सारी मिट्टी की आवश्यकता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी बहुत काम में पेंडेंसी है। तो फ्रेंड्स ये था पूरनपुर रेलवे स्टेशन से आज तक का अपडेट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये अपडेट पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से नया भविष्य में पूरनपुर का अपडेट लेकर आएंगे, तब तक के लिए फ्रेंड्स अलविदा।